नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के मॉस्किटो नेट विंडोज आते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग विंडोज हैं उसके अंदर कैसे मॉस्किटो नेट विंडो लगाएं। जगह की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या उनकी कोई अपनी ज़रूरतें होती हैं जो अलग अलग टाइप के मॉस्किटो नेट से पूरी हो सकती हैं। तो उन लोगों के लिए और जिन लोगों को नॉलेज अपनी बढ़ानी है इसके अंदर, उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कितने टाइप के मॉस्किटो नेट विंडोज आते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखिए। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं स्लाइडिंग और ओपनेबल मॉस्किटो नेट के बारे में। तो स्लाइडिंग मॉस्किटो नेट में क्या होता है कि एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और बीच में जो है वो मेटल की मैश होती है या मेटल की जाली होती है। अब वो जो मेटल है वो हो सकता है कि स्टेनलेस स्टील हो, एल्यूमिनियम हो या MS हो। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का मॉस्किटो नेट विंडो होता है जिसको सभी को भी पता है। ये नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो में जितने आपको मैश की ज़रूरत होती है उतने एडिशनल ट्रैक्स डालकर उतने फ्रेम्स जो हैं वो मैश के मॉस्किटो नेट विंडो के उसमें डाल दिए जाते हैं, और वो भी स्लाइडिंग विंडो की तरह, स्लाइडिंग ग्लास की तरह मैश भी जो है वो स्लाइड होता है। इसी तरह से ओपनेबल मॉस्किटो नेट में होता है कि एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में सेम मेटल की मैश होती है, लेकिन जो इसमें ओपनिंग स्टाइल होती है वो हिंजेस पे होती है, तो वो साइडवेज खुलती है। अब चाहे वो अंदर के साइड भी खुल सकती है और बाहर के साइड भी खुल सकती है। अब इसमें जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि जो जगह ये ऑक्यूपाई करता है वो थोड़ा ज़्यादा करता है। अब ओपनेबल के केस में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने मैश का शटर ओपन रखा है तो वो जिस साइड भी वो ओपन होगा उतनी जो एरिया है उसको वो ब्लॉक कर देगा। और स्लाइडिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपने मल्टीपल, अगर आपको ज़्यादा ओपनिंग चाहिए अपने विंडो में, तो आपको मल्टीपल पैनल्स लेने पड़ेंगे, दो तीन पैनल आपको लेने पड़ेंगे स्लाइडिंग मॉस्किटो नेट के। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ट्रैक है वो भी उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो जितने ट्रैक्स बढ़ेंगे उतनी जगह जो है वो विंडो ज़्यादा लेगी, और आमतौर पर उतनी जगह जो है वो लोगों के पास में नहीं होती। तो एक इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है, लेकिन इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि ये सबसे ड्यूरेबल है। इसमें जो मेंटेनेंस है वो इतना जल्दी नहीं आता है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपने SS 304 या उसके ऊपर का स्टील ग्रेड लिया है या आपने एल्यूमिनियम की मैश ली हुई है। अब इसके बाद आता है रोलर मॉस्किटो नेट। तो रोलर मॉस्किटो नेट क्या है? रोलर मॉस्किटो नेट ऐसा मैकेनिज़म है जिसमें जो मैश है वो ऊपर की तरफ, जैसे हम देखते हैं कि आमतौर पे जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनके जो शटर होते हैं वो जिस तरह से वो ऊपर की ओर चले जाते हैं, उसी तरह से रोलर मॉस्किटो नेट की जो मैश है वो भी ऊपर की तरफ रोल हो जाती है। अब इसमें जो मैश होता है उसका मटेरियल होता है फाइबर ग्लास। अब ये फाइबर ग्लास की मैश होती है। अब इसमें एडवांटेज ये होती है कि आपके जो जगह है वो बहुत कम घेरता है। दूसरी बात यह है कि जब ये रोल होकर ऊपर चला जाता है तो आपको व्यू जो है वो क्लियर मिलता है, मतलब कोई भी मैश जो है वो किसी तरह से भी आपके व्यू से इंटरफेरेंस नहीं होती है। मतलब आपका पूरा पूरा व्यू जो है वो ग्लास के थ्रू होता है या विदाउट ग्लास जो भी व्यू है वो होता है, मैश आपको नहीं नज़र आता। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका जो मैकेनिज़म है वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका जो मैश है वो फाइबर ग्लास का होता है, तो फाइबर ग्लास का होने की वजह से इसे चूहे वगैरह अगर वहाँ पर है उस जगह पर, तो ये ग्लास, ये फाइबर ग्लास जो है उसको वो काट सकते हैं, तो जिससे मैश जो है वो ख़राब हो सकती है। अब रोलर मॉस्किटो नेट के बाद में जो तीसरे टाइप का जो मॉस्किटो नेट विंडो है वो है प्लीटेड मॉस्किटो नेट विंडो, जो कि आज के टाइम पर सबसे पॉपुलर है, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। अब उसमें खासियत क्या है कि जिस तरह से रोलर मॉस्किटो नेट विंडो ऊपर की तरफ रोल हो जाता है, वैसे प्लीटेड मॉस्किटो नेट जो है वो साइड के तरफ प्लीट्स बन के साइड में कंसील हो जाता है। अब साइड्स में प्लीट्स क्या होता है? प्लीट्स वो होते हैं जिसे हम पर्दे को, जब एक एक तरफ हम उसको पर्दे को खिसकाते हैं तो जो पर्दे में जो फोल्ड्स बनते हैं
उसे हम प्लीट्स कहते हैं। तो उसी प्लीट्स की तरह जैसे पर्दे में फूल जाते हैं, उसी प्लीट्स की तरह प्लीटेड मॉस्किटो नेट में भी नेट जो है वो प्लीट्स में बन जाता है और एक साइड में कंसील हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जगह नहीं घेरता, इसको बहुत ही कम जगह लगती है। ये 1 इंच 1.5 इंच के अंदर ये मैकेनिज्म बैठ जाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी विंडो हो उसमें हम इसे लगा सकते हैं, जबकि रोलर मॉस्किटो नेट विंडो में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम 5x5 के ऊपर अगर जाते हैं तो मैश का जो मैकेनिज्म है वो जल्दी बिगड़ सकता है, जबकि प्लीटेड मैश में हम बड़ी सी बड़ी विंडो में इसे लगा सकते हैं, चाहे वो 16x10 की हो या छोटी साइज़ हो, 4x4 की हो या 3x4 की हो, तो उसमें भी ये लग सकता है। उसका तीसरा एडवांटेज ये है कि कितनी भी बड़ी विंडो हो उसका मैक्सिमम जितना वेंटिलेशन आपको मिल सकता है वो आपको प्लीटेड मॉस्किटो नेट विंडो से मिल सकता है। ये जो क्वालिटी है वो और किसी टाइप में नहीं है। तो ज़्यादातर जहाँ पर भी बड़े विंडोज़ होते हैं वहाँ पर आइडियल सोल्यूशन जो है वो प्लीटेड मॉस्किटो नेट का ही निकल कर आता है। अब अगर हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक की, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रॉडेंट्स यानी चूहों की दिक्कत है तो वहाँ पर हम इसे लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चूहे जो हैं वो मैश को अगर काट देते हैं तो जो फाइबर ग्लास का जो मैश है उसको वो थोड़ा जल्दी काट सकते हैं। वैसे तो स्टील और एल्यूमिनियम के मैश को भी चूहे काट देते हैं, बट उसे काटने में थोड़ा वक्त लगता है और फाइबर ग्लास जो है रिलेटिवली उससे कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी कट जाता है। अब चौथी बात करेंगे हम वेलक्रो और मैग्नेटिक मॉस्किटो नेट के बारे में। तो जो ये वेलक्रो या मैग्नेटिक मॉस्किटो नेट होता है इसमें क्या होता है कि आप इसे ज़्यादा बड़ी साइज़ में आप इसे नहीं बना सकते। मैक्सिमम साइज़ जो यूज़ करने के लिए भी अच्छी होगी वो है 4x4 की साइज़। इससे बड़ी अगर साइज़ है तो आपको मैनेज करना, उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब 4x4 की साइज़ में आप अगर मैग्नेटिक या वेलक्रो मॉस्किटो नेट लगाते हैं तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ईजी इसका इंस्टॉलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि विंडो की जो बॉर्डर्स होते हैं उसके ऊपर या तो वेलक्रो का लाइनिंग लगा देते हैं या फिर मैग्नेट की एक लाइनिंग लगा देते हैं, और उसका अपोजिट साइड जो होता है वो मैश के साइड्स में होता है, मैश के बॉर्डर्स पे होता है। तो जो मैश है उसको हम डायरेक्ट उस लाइनिंग पर चिपका देते हैं, तो या तो वो वेलक्रो से चिपक जाता है या फिर अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक से चिपक जाता है। इसमें जो मैश होती है वो भी फाइबर ग्लास की होती है, और ये जो मैंने जितने भी टाइप्स बताए इन सब टाइप में ये सबसे सस्ते टाइप का मॉस्किटो नेट विंडो होता है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी इतनी नहीं होती, क्योंकि अगर आपने वेलक्रो से चिपकाया है और अगर आप रोज़ उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसे रोज़ ओपन और क्लोज करने में जो मैश की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है और मैश को फटने की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है। तो इसके जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं है, और इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसका कॉस्ट बहुत कम है और ये जगह जो है वो सबसे कम लेता है। तो ये थे चारों टाइप के मॉस्किटो नेट विंडोज़। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि कितने टाइप के मॉस्किटो नेट विंडोज़ आते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इनमें से मॉस्किटो नेट विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।